मथुरा छावनी पर तैनात एक रेलवे कर्मचारी को छावनी स्टेशन मास्टर से सवाल करना भारी पड़ गया। रेल कर्मचारी ने केवल स्टेशन मास्टर से उसकी यूनिफॉर्म के बारे में सवाल कर दिया था और इसी सवाल को सुनकर स्टेशन मास्टर का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। स्टेशन मास्टर ने रेल कर्मी को गालियां देते हुए डंडा हाथ में लेकर मारने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर रेलवे स्टेशन मास्टर की करतूत कैमरे में कैद हो गई और ये वीडियो जमकर वायरल हो गया। जानकारी के अनुसार विनोद कुमार हम्माल के पद पर मथुरा छावनी पर तैनात हैं और हर दिन की तरह आज भी वो अपनी प्रेजेंट लगाने के लिए स्टेशन मास्टर कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने स्टेशन मास्टर से प्रेजेंट सीट मांगी, लेकिन स्टेशन मास्टर के द्वारा उन्हें प्रेजेंट सीट नहीं दी गई। और जब पीड़ित विनोद ने स्टेशन मास्टर श्याम प्रताप से आग्रह किया तो श्याम प्रताप अपनी दबंगई दिखाते हुए पीड़ित विनोद के ऊपर हावी हो गए और उससे अभद्रता करते हुए हाथ में डंडा लेकर उस पर हमला करने का प्रयास किया। मामला बढ़ता देख छावनी स्थित तैनात कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जैसे तैसे मामले को शांत कराया। स्टेशन मास्टर की दबंगई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित विनोद कुमार का कहना है कि छावनी पर तैनात श्याम प्रताप स्टेशन मास्टर लोकल होने के कारण अपनी दबंगई छोटे कर्मचारियों को दिखाते हैं और उन्होंने उसके साथ अभद्रता की और उन्हें गंदी गंदी गालियां दी। वो यही चाहते हैं कि जो उनके साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। विनोद ने कहा कि मैंने केवल स्टेशन मास्टर साहब से यही कहा था कि आपने भी तो यूनिफॉर्म चेंज की है और इसी बात को लेकर वो उसके ऊपर हावी हो गए और डंडे से मारने की कोशिश की। उन्होंने स्टेशन मास्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं मथुरा छावनी पर स्टेशन मास्टर पद पर तैनात श्याम प्रताप से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि ये वीडियो उन्हीं का है और ये उनका निजी मामला है, इस मामले में वे आपस में सुलह कर लेंगे। कहां पर तैनात हैं, क्या करते हैं? मथुरा छावनी में हम्माल के पद पे। आज क्या मामला हुआ है? आज हम हस्ताक्षर करने गए थे स्टेशन ऑफिस में, स्टेशन मास्टर का ऑफिस में ही हमारा अटेंडेंस रखा हुआ रहता है, वहीं पे गए थे तो उन्होंने जो है साइन करने से मना कर दिया। स्टेशन मास्टर जो थे मना कर दिया, उसके बाद जो है से कहें कि वर्दी पहन के आओ, पूरा वर्दी में नहीं थे तो वर्दी पहन के आए, उसके बाद जो है से साइन किए, वो भी उस समय वर्दी में नहीं थे तो उनसे हम कहें कि बड़े बाबू से आप जो है से अभी तो तुरंत वर्दी बदल लिया, अभी तो तुम कौन होता है पूछने वाला, चल बाहर निकल। बाहर निकलता है कि नहीं उसी पर तू तड़ाक करने लगे तो हम भी कहें कि ऐसा है कि आप तू तड़ाक मत करिए, ठीक है। फिर हम जो है से बीच में जो पॉइंट्समैन है जो ड्यूटी पे थे उन्होंने जो है से बीच में आकर के रोक दिए, वो मारा पीटी पे आ गए थे, डंडा लेकर के फिर निकले, फिर डंडा लेकर के दिखा रहे हैं कि निकलता है कि नहीं तो अभी तुम्हारा सिर फोड़ देंगे हम। फिर उसके बाद जो है से समझाया हमें उन लोगों कि निकलो बाहर चले जाओ तुम, फिर हम चले आए बाहर। मतलब आपके पास वर्दी नहीं थी और वर्दी उनके पास भी नहीं थी, आपने इस चीज़ का विरोध किया तो आपके साथ मारपीट करने को उतारू हो गए? विरोध हमने पहनने से विरोध नहीं किया, उन्होंने जिसे ही हमें कहें हम उनकी आज्ञा का पालन किए। लेकिन आपने जब पूछा कि सर आपने भी तो एक स्टाफ के नाते आपने उनसे पूछा कि सर आपने भी तो वर्दी नहीं पहनी थी, तो उन्होंने जो ऐसे तू तड़ा करके कि तुम कौन होता है मेरा पूछने वाला, चल बाहर निकलता है कि नहीं, इस तरह की बात हुई। अब आप क्या चाहते हैं? इस तरह से हमारे कुछ नहीं, हमें तो ऐसा है कि हम ऐसा लोकल की नाते से जो है